सो हाय भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। होप आप लोगों को अपना नया इंट्रो बहुत पसंद आया होगा। सो गाइस, आज हम आइस क्रीम सीरीज को बढ़ाने जा रहे हैं। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। पॉप अप नोटिफिकेशन हमेशा की तरह तंग करते रहते हैं, फिर हम नॉर्मल में खेलेंगे आज, क्या कहते हो? एनीवेज लेट्स स्टार्ट। हमें ये सब फालतू नहीं देखना, हटाओ उसको। अरे मुझे 10 बार इंट्रो दिखा है, मुझे पता है यार, हम जैसे गेमर्स को ट्यूटोरियल भी दे रहे हैं। एनीवेज तो भाई लोग, हमेशा की तरह बर्फ पड़ी है और आज हम आ गए हैं अपने गुली लेकर। एनीवेज छुप जाते हैं और ये बुढ़ा फिर अपना भाई घटार से मैप गिराएगा। अरे कपड़े बदलने अपने, गंदे कितने हो रहे। आइसक्रीम हेलो खाएंगे है तो अपना मैप चखते गाइस। देखा मुझे और बुढ़े। एनीवेज गाइस, तो गाइस जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मैंने 3-3 आइटम्स ले ली थी और आज हमें चौथी आइटम चाहिए जिसका नाम है मैच बॉक्स, और वो हमें मिलेगी सिमेट्री में। सो अब रॉड के साथ ही चुप्पी देना बंद करते हैं और चलते। भाई लोग, हम फाइनली आ चुके हैं स्टॉल में और मैं अपना स्लिंग शॉट लाना भूल गया। वाओ, हाउ इंटेलिजेंट आई एम। एनीवेज मुझे कट सीन्स नहीं देखने, हटाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, हमें आज गेम ख़त्म करनी है। अरे यार गाइस, स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। चलिए अब अरे बुढ़े, आजा कम ऑन, यू कैन कैच मी। एनीवेज गाइस, वो अंदर कहाँ से घुसते थे स्टॉल के? दरवाजा नहीं याद आ रहा मुझे। अरे यार बुढ़े से कोई पीछा छुड़ाओ मेरा, ये रहा। इससे कर दो बंद। तो गाइस अब हम वो कटिंग प्लायर ढूंढेंगे, लॉक लुक कर सकते। एनीवेज चलो, छुप जाओ, रॉड आ रहा है, मुझे उसके पैरों की आवाज आ जाती है। गाइस मुझे रॉड ने पकड़ लिया, उसने मुझे बाहर निकलते हुए देख लिया था। एनीवेज ठीक है, ओहो इसमें ऐसे खुलते हम, रॉड ने हमें जमा के रखा हुआ है मतलब है। गाइस पहले तो वो कटिंग प्लायर जैसे काम होता है, मुझे नहीं पता लग रहा। ये रहा अपना प्लायर। सो अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ मैं? ये वायर काटनी पड़े, कटिंग प्लायर तो मेरे हाथ में ही, काटो फिर। अरे वायर काट के क्या होगा, वायर जुड़ानी पड़ती है। एनीवेज कुछ ढूंढ के यहाँ पर होता है तो गेट द एमरजेंसी डोर। ओके मुझे कोई एमरजेंसी डोर की चाबी पड़ी थी क्या? ये शायद एमरजेंसी डोर की। ओके सो अब अरे यार बुढ़ापे में चल जाओ। ओके तो मैंने की अपनी यूज कर ली, अब मैं ये प्लायर्स लेके भाग जाऊंगा। पहले उस बुढ़े ये लो, आया मजा, कहाँ गिरे मेरे प्लायर? आओ निकलो भाई लोग यहाँ से। वो जगह कहाँ पर थी? हेलो जगह तो गया हो किसी को? अरे वो कैंडल्स कहाँ से निकले? अरे बेवकूफ फिर आ गया। रुको गाइस एक और इसके थोपड़े में आया मजा, कहाँ गिरा है मेरे कटिंग प्लायर है? बदतमीज, मेरे कटिंग प्लायर खो गए, दूर से चमकेंगे वो, दिखते कहाँ? रॉड तो वहाँ टिका हुआ है,
वो मूर्ति वो गिर रही है गाइस, मेरी कटिंग प्लायर, उसको आवाज ना आ जाए, ये रे उठाओ और चलो यार। सो रहा है रॉड सो रहा है, वेरी गुड, शुक्र है भगवान का, बुढ़ा सोता भी है। और ये रही वो जगह, वायर टू ओपन इट, वायर का है यार, ऊपर से बुढ़ा सो भी इधर ही रहा, अपना बुढ़ा। कट दे वायर ओपन, अरे वायर का है भैया, हेलो वायर नाम की चीज है यहाँ। What is it? ये उठ गया भाई साहब, कहीं ना मुझे यहाँ पर इससे खतरा नहीं जब तक मैं इस चीज के नीचे हूँ जहाँ पर ये सोता है, क्या कहते हैं इसे, हैमॉक आई गेस, एनी से वायर्स का है गाइस। मुझे पावर सेविंग मोड ऑन करना पड़ेगा, बैटरी बहुत ही ज़्यादा कम है। सो ओके गाइस, ये रहा अपना गेट और अब इसके वायर्स नहीं पता लगी। ओके यहाँ पर है वायर्स, ठीक है मिल गई हमें कैंडल्स गाइस, वेरी गुड। अब हमें सिमेट्री जाना है। सो गाइस फाइनली हमने सिमेट्री में लगा दिया और रॉड खो दिए मैच बॉक्स यहाँ छोड़ के गए और कैंडल्स में आग बत्ती लगा के। सो गाइस जैसा कि आपको पता है हमने पिछले पार्ट्स में ये सब कर दिया था और आज हम इसको तोड़ने वाले हैं। अपना डोर नब अपने पास ही पड़ा है। सो गाइस यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक धमाका हुआ अभी के अभी जैसे ही मैंने अपना काम किया। ओके अब हम ये डोर नब वहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यार बुढ़े तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, डोर नब देखे ये सर पर फेंक देना मैंने तेरे। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं, अरे अंदर कहाँ से घुसूँ, हाँ ये रही जगह। ओके अब हम वो खोलते हैं दरवाजा अपना। ओके 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 अब क्या निकलेगा यहाँ से, खोल दे। सो भाई लोग फाइनली हमें केज की मिल चुकी है और हमें अटक चुके हैं। अब हमने लिस्क फ्री कर लिया वापस नेबरहुड आकर और अब हम जाएंगे यहाँ से कूद, बड़ा मजा आया। क्या हो रहा है, मेरा परफ्यूम फेंक दिया जो मैंने दिया था तुझे, व्हाट्सएप ले तो फर्स्ट है। अच्छा ऐसी बात माइक, चल कोई ना ब्रो। सो गाइज अब हमारे पास आइसक्रीम 3 के लिए बस एक इंग्रेडिएंट बचा है जिससे हम मोटे होकर आइसक्रीम 4 में फैक्ट्री में जा सकते हैं इनकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइज होप आप लोगों को आज के गेम प्ले मज़ा आया होगा। सो गाइज अगर आपको नहीं पता मैं अभी अभी क्या कह रहा था वो 3 इंग्रेडिएंट्स वगैरह वाला काम, तो गाइज आइसक्रीम के हर एक चैप्टर में हम एक एक इंग्रेडिएंट कलेक्ट करते रहते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने एक मिक्सर कलेक्ट किया था और इस चैप्टर में हमें कुछ मिल्क वगैरह आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं और आइसक्रीम 3 में हमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलेगा जो रॉड अपनी आइसक्रीम में मिलाकर बच्चों को देता है और उन्हें मोटा बना देता है, और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम एक आइसक्रीम बनाएंगे जिसकी वजह से हम भी मोटे हो जाएंगे। तब तक रॉड माइक लेज और चार्ली को अपनी फैक्ट्री में ले जाएगा और उनको बचाने के लिए हम खुद मोटे हो जाएंगे क्योंकि रॉड सिर्फ मोटे बच्चों को पकड़ता है पतले बच्चों को नहीं। सो गाइस ये थी अभी अभी तक की स्टोरी जो हमने डिस्कवर की है, बाकी स्टोरीज हम अगली वीडियोस में ज़रूर लाएंगे, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। और गाइस आइसक्रीम 3 भी हम बहुत जल्द खेलने वाले हैं, बहुत ही रोमांचक गेम है लिटरली, और आइसक्रीम 4 का तो वेट ही नहीं हो रहा मुझसे। एनीवेज गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।